नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। G20 के सफल आयोजन के साथ क्या भारत को हासिल हुआ, तो एक G20 का हेल्थ ट्रैक भी चला है, उसमें क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं, इसी के साथ क्या कोविड की नई चुनौतियां आ रही हैं, क्या निपा वायरस को लेकर देश सतर्क है, सरकार की क्या तैयारी है, और खास तौर पर आयुष्मान भारत कैसे घर घर पहुंचे, इसके लिए आयुष्मान भव का जो पूरा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि हाल के दिनों में कुछ उलझने हैं, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री आज तक पर आज लाइव है, कुछ उलझने हैं लोगों के मन में कि क्या कुछ देशों में फिर नए सिरे से कोविड उभर रहा है, क्या देश में अब भी कुछ ऐसे मामले हैं, क्या देश में अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहला प्रश्न, कोविड से के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री देश को इस वक्त क्या बताएंगे? कोविड को लेके जैसा आपने प्रश्न उपस्थित किया है कि दुनिया में कोविड का केस बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, मैं आपके द्वारा देश को एश्योर करना चाहूँगा कि देश में जब से कोविड आया तब के आज तक, कोविड का वेव हो कोविड का वेव ना हो, हम कंटिन्यूस उसका रिव्यू करते रहे हैं, कंटिन्यूस जीनोम सिक्वेंसिंग का अभ्यास करते रहे हैं, और हमारे देश में 220 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर हुआ है, यानी कि हम 95% से अबव वैक्सीनेटेड कंट्री है। इसलिए कोई भी वेरिएंट आता है तो वेरिएंट को जीनोम सिक्वेंसिंग करके उसके पर हमारी वैक्सीन असरकारक है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। आज तक देश में 223 से अधिक वेरिएंट पाए गए हैं, लेकिन सभी पर हमारी वैक्सीन असरकारक रही है, इसलिए वर्तमान समय में कोविड को लेके कोई खतरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई भी स्थिति होगी तो हम सतत उसके पर नज़र बना के कोई नया वेरिएंट आ जाए तो उसका इलाज कैसे करना, उसको तुरंत ही जीनोम सिक्वेंसिंग के आधार पर वैक्सीन में क्या वैक्सीन की असरकारकता को देख लेना, और आज समझ लो कि कोई ऐसा वेरिएंट आ गया जो वैक्सीन पर वर्तमान ऐसा वेरिएंट आ गया हो जिस पर वैक्सीन असरकारक ना हो, तो वैक्सीन में भी बदल कर सकते हैं। ये वैक्सीन में थोड़ा सा बदल करके जो नया वेरिएंट आया हो उसका इलाज के लिए भी उसका उपयोग हो सके, ये सारी क्षमता ये सारी व्यवस्था आज हिंदुस्तान के पास है। अगली चिंता स्वास्थ्य मंत्री जी निपा वायरस को लेकर है। केरल से जो अभी तक जानकारी मीडिया के जरिए आई है वो यही है कि 5 केसेस हुए हैं, 2 की मौत हुई है और कई लोगों को आइसोलेट किया गया है, इस पर क्या परिस्थिति है और सरकार कैसे तैयारी कर रही है? केरला में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में निपा वायरस का केस पाए गए हैं। मैंने स्वयं राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ परसों बात की थी, दिल्ली से एक स्पेशल टीम भी वहां पहुंची हुई है, और खास करके ये वायरस चामा चिड़िया से फैलने वाला डिसीज है, तो ऐसी स्थिति में जिस इलाके में चामा चिड़िया है इस टाइप का जो इस वायरस को फैलाता है, विस्तार को आइडेंटिफाई करके उसका तुरंत ही सैंपल लेके टेस्ट करा के जिसमें बुखार पाया गया हो हेडेक पाया गया हो ऐसा पेशेंट दिखे तो तुरंत ही उसका सैंपल हमारे वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट पुणे में लाया जाता है, वहाँ उसका टेस्ट किया जाता है। जो 2 लोगों का मृत्यु पाया गया है उसमें से एक में पॉजिटिव था और बाकी लोगों का भी सैंपल यहाँ लाया गया है जिसमें भी 2-3 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो ऐसे कोई भी डिसीज फैलते हैं तो आज देश के पास ट्रेसिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, तुरंत ही हम ट्रेस कर लेते हैं और उसके लिए SOP एक बनाई हुई है। ये SOP के तहत उसको तुरंत ही आइसोलेट करना, लोगों के संपर्क से दूर रखना, और नए कोई केस थोड़ा सा भी सिम्टम पाया जाए तो उसको तुरंत ही इलाज चालू कर देना ताकि हम उसको आगे फैलने में
रुकावट कर सकते हैं, फैलते हुए रोक सकते हैं। और ये सारी कोविड क्राइसिस ने हमने बहुत कुछ सिखाया है, उससे सीख के हम ऐसा कोई डिसीज पाया जाए तो उसका इलाज के लिए कैसी SOP इम्प्लीमेंट करें ताकि हम उसको रोक पाए। मेरा पक्का विश्वास है कि तुरंत ही हम उसको रोकने में सक्सेस रहेंगे और आगे नहीं फैलने देंगे। जी, अब आते हैं सर G20 हेल्थ ट्रैक पर, जिसके बाद आयुष्मान भव पे आएंगे। G20 हेल्थ ट्रैक में किस ओर कदम बढ़ाया है भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में G20 के आयोजन से क्या मिला है? G20 हेल्थ ट्रैक में हेल्थ सेक्टर की 3 प्रायोरिटी थी। एक प्रायोरिटी थी पेंडेमिक की स्थिति में दुनिया को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, और हमारी हेल्थ की ये प्रायोरिटी को G20 हेल्थ मिनिस्टर समूह ने उसको स्वीकृति दी। दूसरी हमारी प्रायोरिटी थी मेडिकल काउंटर मेजर, यानी कि नहीं केवल कोई कंट्री में और हेल्थ सेक्टर में वैश्विक स्तर पर सोचना चाहिए, और इसलिए हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल वैश्विक स्तर पर कैसे बने, देश के सभी नागरिक को वैक्सीन मिलनी चाहिए, देश और दुनिया के सभी नागरिक को मेडिसिन मिलनी चाहिए, सभी विश्व के नागरिक को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, तो G20 हेल्थ मिनिस्टर समूह उसमें भी सम्मत हुए। और तीसरी हमारी प्रायोरिटी थी वो थी डिजिटल हेल्थ। वर्तमान समय में डिजिटल हेल्थ का महत्व बढ़ रहा है। हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा कोविन ने हमें कैसे मदद किया, वैक्सीनेटेड व्यक्ति का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड एक ही कोविन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को मिल रहा था। और उस वक्त जब हमें कोई सिटी में जाना था, कोई कार्यक्रम में जाना हो या तो विदेश प्रवास करना हो, उस वक्त कोई ऑफिस में सर्टिफिकेट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी, हम कोविन ऐप पर चले जाते थे और कोविन ऐप से ही दिखा देते थे कि हम वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। हमें एयरपोर्ट पर केवल ऐप में जाके दिखा देते थे, सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं थी हम वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने ये भी देखा और भारत ने उसका बहुत सही तरह से उपयोग किया। उस वक्त हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने घर पे बैठी हो, ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सीधे जुड़ जाते थे और उसकी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस एक घर में बैठे हुए पेशेंट को मिल जाती थी। 10 लाख डेली उस वक्त टेली कंसल्टेशन होता था। ऐसे भविष्य में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम दुनिया को कैसे मदद कर सके, ये विषय को लेके भी WHO ने भी उसकी स्वीकृति दी, G20 हेल्थ मिनिस्टर ने भी उसकी स्वीकृति दी, और WHO में डिजिटल हेल्थ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। वहां से डिजिटल हेल्थ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव काम होगा। ये हमारी G20 हेल्थ ट्रैक की सफलता रही। ठीक है, अब आते हैं सर आयुष्मान भारत पर। भारत में सबसे बड़ी जो चुनौती स्वास्थ्य क्षेत्र में है वो है अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, जो हम देखते हैं। एक तो कीमत को लेकर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लोगों की पहुंच से दूर हैं, लोगों के लिए कई जगहों पर अस्पताल नहीं है। ऐसे में आयुष्मान भारत को आपकी सरकार ने सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना के तौर पर सामने रखा। अब आपने आयुष्मान भव की शुरुआत की है, लेकिन आयुष्मान भारत को लेकर आप क्या बताएंगे? मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। हमेशा विपक्ष कहता है किसको मिल रहा है आयुष्मान भारत, ये इस स्कीम का फायदा किसको मिल रहा है, इस पर क्या डेटा है आपके पास, इसका बजट क्या है, कितना इस्तेमाल किया गया है, कितने परिवारों ने इसको यूज किया है, क्या जानकारी देंगे आप? आयुष्मान भारत ये देश की नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। मोदी जी की 5 लाख तक की प्रति वर्ष प्रति परिवार को मुफ्त इलाज की गारंटी है, उसका आज देश में 60 करोड़ लाभार्थी है। 60 करोड़ लाभार्थी में से आपने जब डेटा की बात कही है तो मैं आपको बताऊं, 5 करोड़ लाभार्थी ने उसका लाभ लिया है। 24,000 से अधिक सरकारी और प्राइवेट अस्पताल उसके साथ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा अंजना जी उसमें जो कोई कार्य मुझे दिखाई दे रहा है तो ये हो रहा है, जहां सामाजिक इक्वेलिटी
यानी कि आर्थिक दृष्टि से कोई गरीब और अमीर की खाई देश में सबसे पहले कोई सेक्टर में दूर हुई हो, तो मैं मानता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में हुई है। आज अपोलो अस्पताल में कोई अमीर परिवार का इलाज होता हो, ये ही अस्पताल में एक गरीब परिवार का व्यक्ति आयुष्मान भारत का कार्ड लेके चला जाता है, तो जो डॉक्टर एक अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज करता है, वही डॉक्टर एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी इलाज करता है। ये सबसे बड़ी आर्थिक इक्वलिटी का एग्जाम्पल है और आज देश के करोड़ों लोग उसका लाभ लेके अपने स्वयं को स्वस्थ बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये योजना एक पुण्यकारी योजना है। ओबामा ने अपने कार्यकाल में अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और सारी दुनिया में उसकी सराहना हुई थी। मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सिक्योरिटी देने का जो पुण्यकारी कार्य किया है, मैं मानता हूं कि देश को आयुष्मान बनाने में ये योजना का बहुत लाभ होगा। लोगों के बीच में मैं जाती हूं तो वो कई बार पूछते हैं कि आयुष्मान भारत का ये कार्ड कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, हम इसका फायदा कैसे हो। तो आप आज टीवी पर लाइव हैं और पूरा देश आपको सुन रहा है, कैसे ये कार्ड कैसे लोग ले सकते हैं, मतलब लोगों के पास जानकारी की भी थोड़ी कमी है ऐसा मुझे लगता है। अंजना जी, आपकी बात सही है। देश में 60 करोड़ लाभार्थी में से 24 करोड़ लाभार्थियों ने अपना कार्ड बनाया है, बाकी लोगों का कार्ड बनना चालू है। तो हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 16-17 सितंबर से 2 अक्टूबर देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। तो ये पखवाड़ा के दरमियान हमने आयुष्मान भव अभियान चलाया। ये आयुष्मान भव अभियान का पहला पार्ट है कि हम आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम चलाए। आयुष्मान आपके द्वार यानी कि आज तक ऐसी स्थिति थी कि कोई लाभार्थी को अपना कार्ड बनाना है तो अस्पताल जाना पड़ता था, सरकारी कचहरी में हेल्थ विभाग में जाना पड़ता था। अभी हमने एक ऐप बनाई है, देखो इस टाइप की ऐप है। ये ऐप में जाके आप भी आपका ड्राइवर का कार्ड बना सकती हो। ऐसे आयुष्मान भारत योजना की ऐप में लॉगिन करके आप जो लाभार्थी है उसका नाम डालो, उसका गांव डालो, तो पता चलता है कि लाभार्थी है कि नहीं है। या तो कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पता नहीं है मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूं कि नहीं हूं, तो ये व्यक्ति को आप पूछो कि आप कौन से गांव से हैं, आप कौन से वार्ड में रहते हैं। ये वार्ड और गांव का नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा, और ये नाम आ गया तो उसका डिजिटली उसका कार्ड क्रिएट आप कर सकते हो। व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं या तो आप करके उसको दे भी सकते हो। आधार के साथ केवाईसी करके सारी व्यवस्था 1x1 स्टेप उसमें बताया गया है, उसको फॉलो करके हम कार्ड क्रिएशन कर सकते हैं। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक माँ उसके 22-25 साल के बेटे उसका एक्सीडेंट के दरमियान मृत्यु हुआ, उन्होंने अपने बेटे का हार्ट का डोनेट किया था, और ये डोनेट एक महिला के लिए किया था जो 26 साल की थी। ये 26 साल की महिला एक 22 साल का युवा का मृत्यु से उसको हार्ट मिला और हार्ट उसके दिल में धबकने लगा, वो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन ये वीडियो में मैंने देखा कि उसकी माता जी ये महिला को मिलने गई और अपने कान में टेथोस्कोप लगा के ये धबकता हुआ हार्ट को झील रही थी, धबकता हुआ हार्ट को महसूस कर रही थी, उसके आंख में आंसू बह रहा था, लेकिन उसको संतोष यह था कि मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन मेरा बेटा का हार्ट ये महिलाओं को जिंदगी प्रदान करता है और उसके दिल में धड़कता है। ऐसा पुण्य का काम करने के लिए हमने सेवा पखवाड़ा में एक कार्यक्रम चलाया है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल तौर पर, एनजीओ के तौर पर, समूह में प्लेज ले कि मैं मेरे मृत्यु के बाद ऑर्गन, एक ऑर्गन, दो ऑर्गन या तो बॉडी डोनेट करूंगा। ऐसा प्लेज लेके रजिस्टर कराएंगे तो एक नेशनल रजिस्ट्री में उसका नाम आ जाएगा और उसके मृत्यु के बाद उसके यहाँ अलर्ट जाएगा कि आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लिया है, जो उसके रिलेटिव्स है, उसके रिश्तेदार है, उसके यहाँ
उसका कैडेवर का भी दान हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा अभियान हमने ऑर्गन डोनेशन जन जागृति का लिया है। आपके द्वारा, आपके टेलीविजन के द्वारा मैं जनता को आग्रह करना चाहता हूँ, विनंती करना चाहता हूँ कि आप अवश्य प्लेज लेके सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो और दूसरे व्यक्ति को जीवन प्रदान करने के लिए आप अवश्य प्लेज लेंगे। चौथा कार्यक्रम हम करेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड भी दूसरे को जीवन के लिए बचाने के लिए उपयोगी होता है। ये ही श्रेणी में जो गांव 100% आयुष्मान भारत के कार्ड को डाउनलोड कर लिया हो, या तो सभी लाभार्थी लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल गया हो, गांव में रहने वाले सभी नागरिक को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ओपन हो गया हो, और एक गांव में कोई टीबी के मरीज हो उसका इलाज प्रारंभ हो गया हो, ये तीन क्राइटेरिया जिस गांव पूरा करेंगे, इस गांव को 2 अक्टूबर गांव सभा करके उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। आयुष्मान गांव घोषित करके गांव के बाहर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया जाएगा ताकि दूसरे गांव को भी प्रेरणा मिले कि गांव में क्यों ऐसा होर्डिंग लगाया है, तो ये गांव में 100% आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, ये गांव में सभी का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खुला है, ये गांव में कोई टीबी मरीज नहीं है, ऐसे गांव को आयुष्मान गांव घोषित करके एक हेल्थ के लिए एक हेल्दी सोशल कंपटीशन हो, विलेज टू विलेज कंपटीशन हो, ये भी हमने इस कार्यक्रम का एक अंग बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश मोदी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा के साथ जुड़ेगी, वैसे ही मोदी जी और देश की जनता से अपने लिए तो कोई अपेक्षा रखते नहीं है, अपना सारा जीवन देश की जनता की सेवा के लिए समर्पित है, मानवता की सेवा के लिए समर्पित है, गरीब शोषित वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पण भाव से काम करने वाले प्रधानमंत्री जी को हम क्या दें। प्रधानमंत्री जी को हम एक सप्ताह तक कोई न कोई सेवा कार्य से जोड़कर हम अपना दायित्व नेशन के प्रति भी अदा करें और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करें, उसके लिए उत्तम अवसर है। देश के सभी नागरिक आयुष्मान भारत भव अभियान से जुड़े और देश के गरीबों की सेवा करें, ये मेरे आपके द्वारा देश की जनता को अपेक्षा है। जी मनसुख मंडाविया जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री, आप आज तक पर हमारे साथ जुड़े, आपने ये जो पूरा शुरू किया है आयुष्मान भव, आप बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है और उम्मीद यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, खास तौर पर अंतिम कतार में खड़ा जो व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।